अस्सलामु अलैकुम ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स, आजकल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। यस, इकोसिस्टम। तो हमने इसमें बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया, बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर हमें नॉलेज मिला अबाउट इकोसिस्टम, अबाउट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे वर्बल भी हो चुके हैं, रिटन भी हो चुके हैं। सो आज की एक्टिविटी के लिए आप लोग रेडी हैं? आज की जो हमारी एक्टिविटी है साइंस की, उस एक्टिविटी का नाम है थिंक अबाउट दिस। यस, थिंक अबाउट दिस। थिंकिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल। सोचना बहुत अच्छी हैबिट है, सोचना एक बहुत अच्छी आदत है। तो अब हम देखते हैं कि इस लेसन को जो आपने पढ़ा है तो आप अब किन किन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आपको ये सोचने में, आपको सोचना, अच्छा सोचना सिखाने में आई विल हेल्प यू। सो लेट्स रीड आवर पेज नंबर 42, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग वी हैव टू डू। सो नंबर वन, What new did you read in this chapter? आपने इस चैप्टर में नया क्या पढ़ा? What new did you read in this chapter? Write 5 to 10 sentences to explain. 5 to 10 sentences में आपने लिखने हैं explain करने के लिए, ठीक है? So इसमें तो हमने, जैसे मैंने आपको अभी टॉपिक के शुरू में भी बताया कि हमने बहुत कुछ इसमें नया जो है वो सीखा है। So चलें हम देखते हैं कि हमने, मैं आपकी हेल्प करता हूँ सोचने में, और थोड़ा सा मैं आपके साथ मिलकर सोचता हूँ, उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग करेंगे। सो वट न्यू डिड यू रीड इन दिस चैप्टर? सो वी हैव टू राइट 5 to 10 sentences to explain. So we have read about many sad facts in this chapter, like we came to know that how a jungle turned into an area full of trash because of humans. बहुत ही सैड फैक्ट्स हैं इसमें, हमें यह पता चला कि कैसे एक जंगल जो है वो बिल्कुल एक ट्रैश की वजह से, इंसानों की वजह से बिल्कुल एक ट्रैश में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, लाइक वाटर इकोसिस्टम, जंगल इकोसिस्टम एंड लैंड इकोसिस्टम। तो इतना मैंने आपके साथ, आपकी हेल्प के लिए एक स्टार्टर, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। बाकी जो है वो अब आपने कुछ सेंटेंसेस खुद से भी इसमें ऐड ऑन करना है। सो कैन आई रिपीट दीज सेंटेंसेस अगेन? सो इन दिस टॉपिक वी हैव read about many sad facts in this chapter, like we came to know that how a jungle turned into area full of trash because of humans. So we have read about different types of ecosystems like water ecosystem, jungle ecosystem and land ecosystem. Okay, so iske alawa hame kya sochna hai? What basic scientific knowledge did you gain from this chapter? This is very important thinking. Kisi bhi science ke chapter ko jab aap seekh rahe hote hain to aapne ye gaur karna hota hai ki aapko kaun sa scientific knowledge gain ho raha hai us chapter ko padhne se. So let's think, हम इस पे सोचते हैं। वी केम टू नो अबाउट द फैक्टर्स डैट आर डैमेजिंग द इकोसिस्टम थ्रू ऑब्जर्विंग एंड प्रिडिक्टिंग आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। वन ऑफ द फैक्टर डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम इज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन एनी काइंड। वी कैन सेव द इकोसिस्टम बाय अवॉइडिंग प्लास्टिक्स एज मच एज वी कैन। सो वी ऑल्सो लर्न अबाउट द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ हेल्दी इको सिस्टम। तो ये हमें डे 7 के ऊपर सोचना था इस चैप्टर में। नाउ अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका आज का होम असाइनमेंट या आपका आज का होम टास्क क्या है। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हमने वाटर इकोसिस्टम, जंगल इकोसिस्टम एंड लैंड इकोसिस्टम, इन तीन इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। आपने नेट से सर्च आउट करने हैं इनके इमेजेस, आपने इनके पिक्चर्स जो हैं वो सर्च आउट करनी है कि कौन सा जो इकोसिस्टम है वो वाटर है, कौन सा इकोसिस्टम जंगल इकोसिस्टम है और कौन सा लैंड इकोसिस्टम है। और तीनों इकोसिस्टम में आपने तीन तीन जो मेजर उस इकोसिस्टम की चीज़ें हैं, वो भले प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं,
हर इकोसिस्टम, तीन इकोसिस्टम है, तीनों इकोसिस्टम में थ्री थ्री आपने जो मेन इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपने राइट करने हैं अपनी कॉपीज़ पर। लाइक जैसे कि वाटर इकोसिस्टम में क्या क्या होगा, जैसे वाटर के अंदर के प्लांट भी हैं, वाटर के बाहर भी प्लांट हैं, उसमें फ़िश भी है। इसी तरह अगर जंगल के इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ बहुत से प्लांट्स हैं, वहाँ एनिमल्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स हैं। तो जो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, एटलीस्ट थ्री टू फोर चीज़ों के नाम आपने तीनों इकोसिस्टम में, पिक्चर्स भी आपने फाइंड आउट करनी है, और तीनों इकोसिस्टम में दो तीन से चार चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनके नाम राइट करके आप अपने टीचर्स को सेंड करेंगे। तो ये आज का आपका होम असाइनमेंट है। इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर की एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।